भागना मत भाई जी, हबड़ा दबड़ी मत खड़े, खुद आएंगे खुद आएंगे। सरकार को भेजो हरिद्वार को, शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बेच दिया भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रथम वर्ष में, पहली साल में हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई, और उसके बाद दूसरे वर्ष हमने जो है उसमें जो आगे उसके लिए जो एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज के साथ, वो भी 12% इंक्रीज के साथ हमने फिर से उसको एक्सटेंड किया उसमें। लेकिन जो रेवेन्यू कम आने की वजह है, मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में, वो एक फैक्चुअल पोजीशन है। जिस वक्त जो है टोटल कलैप्स हो गई सारी अर्थव्यवस्था, और पर्टिकुलरली जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, इस बात को उनको ध्यान में नहीं है शायद निखिल में, और जिसके कारण थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन मैं फैक्ट्स ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो रणधीर जी ने बात कही, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, जिनसे हम सीधी कुछ बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोगों को छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठ करके सारा सेटिंग पहले किया गया, तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बीडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। और दूसरी बात, रिजर्व प्राइस से कम जाना ही नहीं चाहिए, उसको दोबारा ऑक्शन कर सकते थे, दोबारा बीडिंग कर सकते थे उसकी, लेकिन वो नहीं किया गया। एक तो ये घोटाला है, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ। ये फैक्ट्स जो है, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं। 22-23 में जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी हमारी गवर्नमेंट जब इसमें थी, जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा, 21.18% इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में आई है एक्साइज में, 21.18% आई है। और उसके बाद जो ये 40% की बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हकीकत है कि 23-24 में अगर इंक्रीज आई है, वो आई है सिर्फ 5.95, मतलब लगभग जो है वो 26% के लगभग, 26% जो है वो इंक्रीज हुई है, ना कि 40% हुई है। और उसमें रिकवरी अभी तक है, ठेकेदार भाग करके चले गए हैं, पैसा नहीं दिया है, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए। रिकवरी तो हुई नहीं है, ये आंकड़े किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? पैसा आया ही नहीं है इस तरह से, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, ये हकीकत है। और इसलिए सही बात तो ये है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, और हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी पूरब में, जब एक बार ऑक्शन होने के बाद जो है उसमें इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करने की जो परंपरा रही है, वो तो पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक होगी, और कांग्रेस की पॉलिसी हमारे मुताबिक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। हमने जेन्युइन जो इंक्रीज हो सकती थी वो करने की कोशिश की, और उसके मुताबिक हमारा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, सिर्फ कोविड के 2 वर्षों में प्रभावित हुआ है, वो इनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके करें कि जिस भी एजेंसी से जांच करना चाहे जांच करें, लेकिन साथ साथ में अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है इसकी भी जांच हो। ऊना में कह रहे हैं कि वहां पर कोई जो वो बीडिंग नहीं हो पाई, कितनी बार, 7 बार 8 बार ऑक्शन किया, ऐसा बता रहे थे वो, क्यों क्या वजह? उसको रोक दिया गया, कांगड़ा में रोक दिया गया, और कुछ लोगों को जो प्रभावी लोग थे उनको ही वो काम देना था, इस कारण से रोक दिया गया। और उसके बाद वहाँ बड़ा घोटाला इस तारीख सारी चीज को लेकर के आज की तारीख में मालूम करो कि ऊना में
एक्साइज का काम किसके पास है और कौन नेता देखता है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज तक अभी तक नहीं कह रहे, हम सोच रहे थे कि झूठ बोलना बंद करेंगे, सदन को गुमराह करना बंद करें, लेकिन मुख्यमंत्री की आदत नहीं सुधरी। और निश्चित रूप से अब ये तय करना पड़ेगा, हम लोगों ने तय किया है इस भ्रष्टाचार की पोल को खोलेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। थैंक्स परी जी, थोड़ा सा छूट गया वो। इनका प्रश्न साथ में, मेरा प्रश्न इसमें साथ था। मेरा ये कहना है कि इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई उसमें MSP दिखाया गया और उससे पहले MRP था, और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल MSP पे बिकनी चाहिए थी, MRP से उसमें एक रुपये रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 250-300 रुपये महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150-200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की, लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर फाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैक्सिमम फाइन 15,000 कर सकते हैं, अगर 3 बार हुआ तब जाके लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो MSP इन्होंने घोषित किया, MR की बोतलें जो टोटली उसमें स्टिकर लगना चाहिए था, वो स्टॉक नील होना चाहिए था, लेकिन वो बोतलें बेची गई MSP में बेची गई जिसमें 30% ज़्यादा लिया गया। दूसरा इशू इसमें यह है कि जब ठेकेदार एक ही होगा तो MSP में कॉम्पिटिशन होता है कि जो बोतल 750 की 800 की है वो बोतल कॉम्पिटिशन में 30% उसमें ले सकते हैं, लेकिन इस जब ठेकेदार एक ही होगा तो मैक्सिमम प्राइस ले रहा है। इसलिए इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है कि एक ठेकेदार होगा तो MSP का 30% वो पूरा लेगा, कोई कंपटीशन नहीं है, तो MSP का क्या मतलब है? ये मेरा कहना है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। सर वो तो आपकी सरकार पर ठीक देखिए, हाँ एक मुख्यमंत्री ने तो रिजर्व प्राइस को लेकर अपनी बात कही है, क्या आपको लग रहा है ऐसा कि उसमें गड़बड़ है? निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई, 2023-24 में उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज़्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी, और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है, अगर आप बोलें तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 241.44 करोड़ रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296.40 करोड़ रुपए थी और बोली 279.94 करोड़ में गई। नूरपुर में 118.35 करोड़ रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108.84 करोड़ रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143.90 करोड़ रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली गई। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज़्यादा बोलियाँ आनी चाहिए थी। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिलीभगत से काम हुआ हो।
आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस, 78 करोड़ 41 लाख में बोली जाती है। मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली जाती है। बिलासपुर में 90 करोड़ 69 लाख और 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। तो ये शरे आम मिली भक्त है। नंबर दो, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का 1 ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, कितना बड़ा जिला है, उसका भी एक ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी एक ही यूनिट बन गया और वहाँ भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का एक ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।